हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल ससौंधी एकेडमी। देखिए, एसएससी जीडी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आज हम यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे, जो कि आपका 2023 में रिजल्ट आना है। यहाँ पे जो आपको कट ऑफ बताई जाएगी, यहाँ पे जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ये जो हम आपको अभी कट ऑफ बताएंगे वो काफ़ी अधिक एनालिसिस के आधार पर, काफ़ी अधिक इस पर एनालिसिस किया हमने कट ऑफ पर, और जो आपको जो कट ऑफ बताई जाएगी वो आपकी एकदम सटीक कट ऑफ रहेगी। इसलिए आप इस कट ऑफ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम पद कितने थे इसमें। देखिए, 46,435 आपके पद थे जिस पे आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। फॉर्म कितने फिलअप हुए थे आपके, ये 54 लाख के समथिंग आपके फॉर्म फिलअप हुए थे। अच्छा, उपस्थिति एग्जाम में कितनी रही थी, तो 36 लाख के समथिंग आपकी प्रेजेंट उपस्थिति रही थी इसमें। अच्छा, परसीट अगर कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो 76 स्टूडेंट के समथिंग आपका एक सीट पर कंपटीशन रहा है स्टूडेंटों के प्रेजेंट होने के बाद में, यानी कि 36 लाख स्टूडेंट जो सम्मिलित हुए और कुल पद आपके 46,435 हैं, उस आधार पर जो कंपटीशन है वो 76 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन बढ़ रहा है। देखिए, फिजिकल के लिए जो स्टूडेंट बुलाए जाएंगे वो आपके लगभग 8 गुने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, तो 46,435 का जब 8 गुना निकालते तो 371,480 के समथिंग अप्रॉक्सीमेट। और क्योंकि जो स्टूडेंट बुलाया जाता है तो हमेशा ध्यान रखें, जो भी लास्ट आपकी कट ऑफ होती है उस पर काफ़ी अधिक स्टूडेंट बोलते हैं, तो 8 गुना बोलते ही हैं वो, तो समथिंग मान के चल सकते हो आप 4 लाख स्टूडेंट के समथिंग आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। चलिए देखिए, हम आपको कट ऑफ के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमने जो कट ऑफ है उसे 3 जोनों में डिवाइड किया है, तो आपके अगर इस रेंज में अगर क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप फिजिकल की अपने तैयारी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। और कट ऑफ बताइए वो जोन वाइज बताइए, और जोन वाइज में हम देखिए, फर्स्ट जोन में हमने कौन कौन से आपके स्टेट को रखा है। देखिए, यूपी के लिए राजस्थान, एमपी, हरियाणा, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड। देखिए यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए। देखिए, जनरल के लिए जो आपकी कट ऑफ है वो मेल में 47 से 50 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आप मेल में जनरल में अपने आप को अभी फिजिकल के लिए सेफ मान सकते हैं, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन पहले बता दिया है आपका, अगर 1-2 क्वेश्चन भी इधर उधर है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी अधिक शिफ्टों में कंडक्ट हुआ है, तो उस हिसाब से आप अपने फिजिकल की तैयारी बनाए रखें। अच्छा, फीमेल की बात करें हम जनरल में, तो 44 से 45 क्वेश्चन जो ऊपर स्टेट दिए हुए उन स्टेटों की बात हो रही है। बात करें हम ओबीसी की, तो अगर आपके 40 से 49 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आप को फिजिकल के लिए सेफ मान सकते हैं, और अगर आपके फीमेल में 43 से 44 क्वेश्चन है तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 से 48 क्वेश्चन, और फीमेल में 42 से 43 क्वेश्चन। एससी के लिए बात करें तो 43 से 45 क्वेश्चन, और फीमेल में आपके 40 से 42 क्वेश्चन। एसटी की बात करें तो 42 से 44 क्वेश्चन मेल में, और फीमेल में 39 से 41 क्वेश्चन। नेक्स्ट जोन के लिए, जोन टू में, पहले देखिए हम अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जोन टू हमने रखा है पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। इसमें आपके अगर जनरल मेल में 36 से 37 क्वेश्चन बन रहे हैं, और फीमेल में अगर आपके 34 से 35 क्वेश्चन बन रहे हैं इन स्टेटों से, तो आप फिजिकल के लिए सेफ हैं। ओबीसी में 35 से 36 क्वेश्चन, फीमेल में 33 से 34 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 34 से 35 क्वेश्चन बन रहे हैं मेल में, और फीमेल में 32 से 33 क्वेश्चन। अच्छा, बात करें हम एससी में, तो एससी में अगर मेल में 33 से 34 क्वेश्चन बन रहे हैं और फीमेल में 31 से 32 क्वेश्चन बनने हैं, तो अपने आपको सेम मान सकते हो इन स्टेटों से। बात करें एसटी की, तो मेल में 32 से 33 क्वेश्चन और फीमेल में 30 से 31 क्वेश्चन सेफ हैं आप फिजिकल के लिए। अच्छा, बात करें हम जोन थ्री की, तो जोन थ्री में हमने जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और झारखंड, इन स्टेटों को रखा है। तो इन स्टेटों में देखते हैं, जनरल के लिए जो आपकी कट ऑफ है वो अगर आप मेल में आपके 29 से 31 क्वेश्चन बनने हैं तो आप अपने आपको सेम मान सकते हैं इन स्टेट से, और फीमेल का 27 से 28 क्वेश्चन है। ओबीसी का 28 से 30 क्वेश्चन, और फीमेल के लिए 26 से 27 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस के लिए 28 से 29 क्वेश्चन, और फीमेल के लिए 25 से 26 क्वेश्चन। एससी के लिए 27 से 28 क्वेश्चन, फीमेल में 24 से 26 क्वेश्चन। एसटी में 26 से 28 क्वेश्चन, और फीमेल में 23 से 25 क्वेश्चन। अगर आपके इस रेंज में क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आपको फिजिकल के लिए सेम मान सकते हैं बिल्कुल। और देखिए, जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो 3 या 4 क्वेश्चन इंक्रीज हो सकती है लास्ट में जाके, तो आप क्योंकि अभी आपने आंसर की को मैच कर लिया है तो आपको अभी केवल क्वेश्चनों के बारे में बताया कि हमारे कितने क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलना है आपको, कितना इंक्रीज होना है, कितना डिक्रीज होना है, तो वो बात अलग है।
तो सबसे पहले आपको फिजिकल के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप देखिए जो हमने कट ऑफ बताई है उसमें अगर आपके एक दो क्वेश्चन कम भी बन रहे हैं फिर भी आप अपने फिजिकल की तैयारी जारी रखें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इस एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।